नमस्कार शेतकरी मंडळींनो, कसे आहात तुम्ही सगळे? जोड व्यवसाय या कार्यक्रमामध्ये मी आपणा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करते. मंडळी, आपल्या हिंदू धर्मामध्ये गायीला विशेष महत्त्व प्राप्त झालेलं आहे. गायीचं गोमूत्र आणि शेण याला खूप पवित्र असं समजलं जातं आणि त्याच्यापासून वेगवेगळ्या आयुर्वेदिक औषधांची निर्मिती देखील केली जाते. त्यातलाच एक प्रकार तो म्हणजे गोमूत्र अर्क. आता या गोमूत्र अर्काबद्दल आपण जाणून घेणार आहोत आपल्याच्या या विशेष कार्यक्रमात. गोमाता न विद्यते तथा धेनुः सदनम रणियाम. यजुर्वेद और अथर्ववेद यूं ही नहीं कहते, अष्टैश्वर्यमयी लक्ष्मी वसते गोमये सदा. वैदिक वाङ्मय में पृथ्वी गो का पर्याय है. आदिकाल में मनुष्य की संपन्नता उसके पास कितनी गायें हैं इससे तय की जाती थी. इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब तक भारतवर्ष में गाय का सम्मान किया गया तब तक भारतवासी स्वस्थ और संपन्न रहे, और आज भी गाय को मानने वाले संपन्न हैं. मातृशक्ति का दिव्य अंश और हमारी दैवी संस्कृति का प्रतीक है गोवंश. इसलिए गाय के गोबर और मूत्र को भी पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है. आयुर्वेद में गौमूत्र के प्रयोग से दवाइयां भी बड़े पैमाने पर तैयार की जाती हैं. गौमूत्र का नाम सुनकर कई लोगों की नाक भौं सिकुड़ जाती है, लेकिन वे ये नहीं जानते कि गौमूत्र के नियमित सेवन से बड़े बड़े रोग दूर हो जाते हैं. आपने कामधेनु गोमूत्र अर्क के बारे में तो सुना ही होगा. कामधेनु गोमूत्र अर्क हमारे शरीर के लिए बहुत गुणकारी है, जैसे कि मूत्र कृच्छता यानी रुक रुक कर पेशाब होना, अश्मरी अर्थात पथरी होना, मोटापा, वृक्क रोग यानी गुर्दे का रोग, चमड़ी के रोग, पांडु रोग और पाचन संस्थान संबंधी विकारों के लिए इसका उपयोग किया जाता है. ये बहुत ही गुणकारी आयुर्वेदिक औषधि है. तो अब जानिए कामधेनु गौमूत्र अर्क बनता कैसे है, इसे बनाने के लिए कौन सी साधन सामग्री होना चाहिए, इसका सही तरीका हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाले हैं. गौमूत्र अर्क को बनाने के लिए मिट्टी का घड़ा, कांच का कंडेंसर, दो रबर की नलियां कंडेंसर को लगाने हेतु, अर्क जमा करने के लिए चीनी मिट्टी का पात्र, घड़ा बंद करने के लिए ढक्कन. ध्यान दें कि ये ढक्कन घड़े के मुंह पर ठीक से बैठने वाला हो. गौमूत्र अर्क बनाने की विधि अब आप सुनिए. सबसे पहले उसके लिए हमें चाहिए ताज़ा गाय का गौमूत्र, स्वस्थ गाय का, और वो भी भारतीय वंश का ही गाय होना जरूरी है. ये सुबह पकड़ा हुआ अभी का गौमूत्र है. पीएच स्ट्रिप से हम इसका पहले पीएच चेंज करेंगे. गौमूत्र हमेशा अल्कालाइन ही होना चाहिए. जब वो मिलता है तब 7 पीएच उसका रहता है और धीरे धीरे वो 8 तक जाता है. तो ये हम यहाँ देखेंगे इसका कलर चेंज, और यहाँ हमें दिखाई देगा कि कौन सा पीएच कलर के साथ वो मैच कर रहा है. तो इस तरह से इसे मैच करने के बाद ये जब 7 से आगे 8 या 9 है उसके बाद ही हम उसे अर्क बनाने के लिए लेते हैं. तो ये अल्कालाइन गोमूत्र है. अब ये जो गोमूत्र है हम गोमूत्र अर्क बनाने का जो चंबू है इसमें डालेंगे. हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये कांच का बर्तन होने के कारण कभी भी चीर गोमूत्र जो है हमारा काम करते समय इस पर गिरना नहीं चाहिए. तो हम काम हमेशा फनेल से ही करेंगे. तो इस तरह से ये गोमूत्र हम इस पर डालेंगे. इस ढक्कन को अच्छे से लगाना है. यहाँ हमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ये इसका लेवल जो है बहुत अच्छे से बराबर है, ये देखना होगा. अगर यहाँ कम ज़्यादा हुआ तो ये या तो कंडेंसर भी टूट सकता है या यहाँ से एल्बो भी टूट सकता है. उसके बाद ये कंडेंसर को हमें फिक्स करना है. ये कंडेंसर को हमें
लेवल में रखते हुए इस स्टैंड में फिक्स करना है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि कंडेंसर पे कहीं भी वेट नहीं आना चाहिए। इसे बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट मिलना ज़रूरी है। यहाँ तक अभी फिटिंग हमारा पूरा हो गया है। ये रबर का पाइप जो लगा हुआ है, हमारा फिटिंग पूरा हो चुका है। हमने यहाँ इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन किया है। यहाँ हमें हीट सेट करनी है कि धीरे धीरे उसको गर्म करना है, एक साथ एकदम हाई टेम्परेचर पे नहीं ले जाना है, धीरे से फिर उसको खोलाना है। तो धीरे धीरे जब वो गर्म होगा तो इस तरह का बॉइलिंग स्टेज पे आएगा। जब ताज़ा गौमूत्र होता है उसमें बहुत सारा उफान आने की संभावना होती है और ये उफान यहाँ से वहाँ तक भी निकल जाता है। तो इसलिए धीमे से ही उसको गर्म करना है। अब इसमें खोलना शुरू होने के बाद स्टीम तैयार होगी। ये स्टीम यहाँ जा रही है। अब ये जो अंदर की नली है, वहाँ जो बाफ है गौमूत्र की, वो बाफ जमा होकर यहाँ पर आएगी और उसका ड्रॉपलेट्स बन के ये ड्रॉपलेट्स यहाँ पर जमा होंगे। तो इस तरह से चीनी मिट्टी के बर्तन में हमारा गौमूत्र अर्क अब पैकिंग के लिए तैयार हो चुका है। तो लो हो गया गौमूत्र अर्क तैयार। अपने कृषि कल्याण